मेरा बचपन जैसे गुजरा है वैसे आम जैसे बच्चों का होता है वैसे गुजरा है। जी हमारे फादर जो थे जो वो उनको ये उन्होंने ये हमें कभी महसूस करने नहीं दिया, या मैं मेरा छोटा भाई और मैं, कि हम लोगों को तबला बजाना है। वो बस वो कहते थे कि जो करना है वो करो, तुम लोग अपने हिसाब से अगर तुम्हें इस इंटरेस्ट आएगा तो। तो मैं उस वक्त इतना कहते थे खेल कूद में इतना मसरूफ था कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा शौक ये चीजों का बड़ा, मतलब तो पढ़ाई भी चल रही थी, स्कूल भी जा रहे हैं ये वगैरह, और कॉन्सर्ट भी जाकर के मैं देखता था। मुझे तो याद है 60s में, लेट 60s, अराउंड 66 67 ऐसे कुछ, अब्बा जी हमारे फादर, उनको हम सब अब्बा जी बोलते हैं, रवि जी और अब्बा जी का कॉन्सर्ट हो रहा है यहाँ पर षण्मुखानंद हॉल मुंबई में। और वो एक एक जमाने में वो ही एक हॉल था कि जिसमें करीब 2500 कैपेसिटी अभी भी है वो ऑडिटोरियम। मगर रवि जी एक ऐसे कलाकार थे कि जिनको देखने के लिए लोग आते थे, और उनके नाम से ही हॉल भर भर जाता था। और द ऑडियंस यूज टू बी कंसिस्टिंग ऑफ गवर्नर्स और मिनिस्टर्स और एक्टर्स वगैरह वगैरह, सारे सारे के इस किस्म के यू नो वैरायटी वाले लोग होते थे। तो उसमें मैं जाया करता था हमारे फादर के साथ, सब जैसे जैसे जाता, और मैं स्टेज पे बैठा हूँ, मतलब उनके फादर और हमारे रवि जी के बीच में बिठा दिया गया है, और मैं बैठ करके प्रोग्राम सुन रहा हूँ। तो एक एक वाक्या ऐसा हुआ कि जब मैं सुन रहा था तो रवि जी ने देखा मेरी तरफ और देखा, रे ये तो लड़का बहुत अच्छी तरह से सुन रहा है। तो अच्छा, वो उस जमाने में ये होता था कि रवि जी अलाउ नहीं करते थे फोटो लेना, जब आप प्रोग्राम बजा रहे हैं तो उनको पसंद नहीं था कि वो फोटो ले, कोई फ्लैश ले, ये वो उनका डिस्टर्ब होता था। तो उन्होंने एक फोटोग्राफर को इशारा किया कि भाई ये इसका फोटो लो बच्चे का। वो फोटोग्राफर खुद खुद हैरान था कि भाई मुझे रवि जी बोल रहे हैं फोटो लेने के लिए। तो इस तो वो फोटो लिया, मैं बड़े गौर से उनका आलाप सुन रहा था, मेरे और हमारे अब फादर का भी वो फोटो में, हमारे फादर भी उनका पैर नजर आ रहा है। और वो फोटो लेकर के बड़ी अच्छी तरह से उसका फ्रेम करके और लिख करके भेजा मुझे, यू नो एज अ गिफ्ट। तो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, यू नो दैट आई गॉट टू हियर सच पीपल राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज लाइक 6 7 7 इयर्स ओल्ड और समथिंग। और वो मेमोरी मेरे दिमाग में ऐसी एच्ड हो गई है कि वो कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो दिस इज वन ऑफ दोज यूनिक थिंग दैट हैज हैपेंड, कि स्टेज पर मैं बैठा हूँ, रवि जी बजा रहे हैं, हमारे फादर बजा रहे हैं, और मेरा फोटो लिया गया, क्योंकि मैं वो इतने गौर से सुन रहा हूँ कि उनको ऐसा लगा कि भाई ये बच्चे का फोटो लेना ही पड़ेगा। सो बचपन ऐसा गुजरा कि म्यूजिक भी चल रहा था, मगर एक जैसे आम बच्चा होता है बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है क्रिकेट वगैरह, ये सब चल रहा था। ये मतलब इस तरह से बचपन गुजरा। और मुझे याद है हम लोग टेबल हमारे घर में वो डाइनिंग टेबल होता था, तो जाकिर भाई भी आ गए। अरे बोले चलो यार क्या करना है, अभी खाना खाना तो बन रहा है, लेट्स लेट्स प्ले टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस खेल रहे हैं हम लोग डाइनिंग टेबल पर और ऐसा ऐसा मतलब जैसे नॉर्मल जैसे होता है, और खेल कूद के मामले में वगैरह वगैरह इस तरह से। मगर देन लेटर ऑन लाइक आई बिकेम अराउंड मे बी 13 और समथिंग, विच इज वेरी लेट फॉर, देखा जाए कि अगर घर में आपके म्यूजिक है और आप इतनी उम्र में, बचपन से 6 7 साल की उम्र में लोग शुरू हो जाते हैं, पर मैं थोड़ा सा लेट शुरू किया अराउंड 13 14। और हमारे ये वाक्या भी आप सुनने लायक है, अगर आपने एक सवाल किया उसका इतना बड़ा जवाब दे रहा हूं मैं। ये एक हमारे स्टूडेंट फादर के स्टूडेंट अमेरिका से आया हुआ था, वो था 16 साल की उम्र का और मैं था करीब 13 14 साल का, और हमारे में इतना ज्यादा फर्क नहीं था। और वो आकर के घर में हमारे फादर से सीखता था, तो घर में रह रहा था वो, और वो रियाज करता था सारा दिन। मैं उसको देखता रहता था कि यार ये एक लड़का इतनी दूर से आया है, 16 साल का, इतना रियाज कर रहा है। अच्छा वो बजाते रहता था, तो मैं कभी कभी क्या करता था कि तबला लेकर के उसके साथ बैठ जाता था, हालांकि मैंने कुछ सीखा नहीं था। तो एक बार ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो बजा रहा है कोई चीज, और मैं तबला स्कूल से आया और बैग अपना रखा और तबला लिया और उसके साथ बजाना शुरू कर दिया। वो जो चीज बजा रहा है उससे मैं वही चीज थोड़े से तेज बजा रहा था, तो वो उसे थोड़ा सा अजीब लगता था, ये मैं सारा दिन बैठ करके बजा रहा हूँ और ये अभी स्कूल से आया है और वही चीज वही बजा रहा है मेरे से तेज। तो ये सारी चीजें हमारे फादर ने ऑब्जर्व की एक बार, कि देखा कि भाई ये इसको थोड़ा सा शौक हो रहा है, क्योंकि ये लड़का बजा रहा है, इसके साथ बैठ के बजा रहा है, तो उसको शौक हुआ, तो मैं फिर उसको सिखाता हूँ। तो मेरी तालीम इस तरह से शुरू हुई कि जब उन्होंने देखा कि मैं बजाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया है तबला बजाने की, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं अभी इसको सिखाता हूँ। तो इस तरह से मेरा बचपन गुजरा, और इसी तरह से मैंने अपना तबला भी शुरू।
नहीं एक्चुअली क्या था ना कि उस वक्त जब मैं जैसे मैं 6-7 साल का उम्र, और मेरे और जाकिर भाई के बीच में करीब 10 साल का फर्क है. सो जी बेसिकली जाकिर भाई वाज द मेन फोकस एट दैट मोमेंट ऑफ हाँ टाइम, क्योंकि वो बजा भी रहे थे काफी, उनका नाम भी था उस वक्त. और हमारे यहाँ में जैसे कि अभी त्रिकवा खान साहब आ गए, कोई तबला प्लेयर आ गए, त्रिकवा खान साहब, रवि जी आ गए, ये सारे लोग जो थे आम आते थे अब्बा जी से मिलने के लिए. और हम लोग चुपचाप कोने में मैं बैठा रहता था, मैं और मेरा छोटा भाई, जो हमारे हम लोग का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था उस वक्त. और ये जो चीजें जो आप कह रहे हैं वो जाकिर भाई के साथ हुआ करती थी. अरे अरे जाकिर भाई, जाकिर जरा थोड़ा बजा ले, ये बजा ले, ये यार यार ये लड़का तुम्हारा वो इतना अच्छा बजा रहा है, इसको बोलो जरा ये, जरा ये रेला बजा के सुना. तो वो उस वक्त जाकिर भाई के साथ, तो हम बचे रहते थे, हमें ये, मगर मैं ये सारे कलाकारों को देखता था, मगर उस वक्त मेरी समझ नहीं थी कि इतने बड़े बड़े कलाकार हमारे घर आते थे और हमारे फादर से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है और खाना पीना हो रहा है, और यू नो जैसे होता है किसी के कलाकार के घर में ये सब हो रहा था. तो हमारे लिए ये नई चीज थी, बट जस्ट थोड़ा सा बड़े हुए तो दूसरे कलाकार जब आने लगे तो फिर मैंने देखा, अरे इनको तो मैं जानता हूँ, इनको तो मैंने देखा है, ये तो ये है, ये तो वो है. तो उसके बाद फिर ये सब सिलसिला जैसे आप बता रहे हैं कि शुरू हुआ, फिर मैं बजाने लगा, तब फिर वो बोलते थे, पूछते थे कि भाई लड़का कैसे बजा रहा है, तो आपका ये क्या कुछ हो रहा है, अच्छा ले तबला लेके थोड़ा सा बजा ले जरा इन लोगों के सामने. तो वो उस वक्त ऐसा होता था. तो जब मैं 60s, लेट 60s की बात कर रहा हूँ, उसमें जाकिर भाई का फोकस, जाकिर भाई के ऊपर फोकस हुआ करता था, क्योंकि उनसे पूछा जाता था कि भाई ये बजा रहे हैं. तो वो जो आप कह रहे हैं वो सही था, मगर वो थोड़ा सा लेट लेट जा, क्योंकि हमने लेट शुरू किया तो थोड़ा सा लेट हुआ. मगर एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे फादर के ऊपर फिल्म बन रही थी, फिल्म डिविजन की, उस्ताद अल्लाह रखा है, वो बनाते थे ना, उस रवि जी के लिए भी बनाया, वो इनके लिए सबके, तो अब्बा जी के लिए भी उन्होंने बनाया था. अब ये हुआ कि वो मेरे ख्याल से उस वक्त 69-70 की बात है, जाकिर भाई उस वक्त अमेरिका चले गए हुए थे. तो उन्होंने कहा कि भाई, वो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि भाई आपके घर आने से कोई किसी ना किसी को तो बजाना पड़ेगा, आप बजा रहे हैं वो बात दूसरी है, मगर कोई लड़का या कोई बोले, मेरा लड़का तो चला गया अमेरिका अभी है. तो हम दोनों थे छोटे छोटे, तो वो डायरेक्टर कह रहे हैं कि भाई ये दो लड़के हैं ना, आप इनको कहिए बजाने के लिए. तो हमारी मदर थी उस वक्त, हमारे फादर भी टूर कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई ये बच्चे तो बजाते नहीं, उन्होंने कभी तबले को हाथ नहीं लगाया, ये लोग यू नो अभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं वगैरह बोले. तो हमारे फादर के सीनियर मोस्ट स्टूडेंट विनायक इंगले साहब थे वहां पर, तो उन्होंने कहा अरे मैं इनको कुछ बता देता हूँ, वो बता करके ये फिर बजाएंगे जो मैं इनको बताऊंगा. तो अब्बा जी से पूछा गया फोन पर, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, वो इंगले बता देगा, विनायक विनायक बता देगा, वो थोड़ा बजा लेंगे, क्या इसमें. तो हम दोनों के दोनों थोड़ा बहुत सीख लिया क्या बजाना है, ये करना है, वो करके थोड़ा बजा करके, अब वो रिकॉर्डिंग ऐसी हो गई है कि वो आर्काइव्स में पड़ी हुई है, और मुझे वो जब भी देखता हूं तो थोड़ी सी शर्म आती है, मैंने ये क्या बजा रहा हूं मैं. मगर ये एक तरह का एक्सपीरियंस हो गया था हमारे लिए कि मैं पहली बार तबले को हाथ लगाया हूं, और वो भी हाथ रख रहा कौन है, वो हमारे फादर के सबसे बेस्ट और सबसे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट विनायक इंगले साहब, हमारे फादर थे ही नहीं वहां पे हमारा हाथ तबले पर रखने के लिए. तो ये देखिए, एक ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिनके फादर इतने बड़े हैं मगर हाथ किसी और ने रखवाया. तो ये हुआ, और वो अभी अभी आप अगर हमारे फादर की देखेंगे यूट्यूब में, वो फिल्म डिविजन का है, उसमें दो छोटे बच्चे बजा रहे हैं, उसमें से मैं हूं एक, और एक मेरा छोटा भाई तौफिक. अब वो उनकी तो इच्छा होती होगी कि हमें डांटे, मगर हम इतने छोटे थे कि वो डांटना रह ही जाता था उनका कि अरे बच्चे बेचारे इनको क्या पता है, ये तो कुछ जानते नहीं है. मगर जाकिर भाई का एक बात ये है कि उन्होंने कभी हमें ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि वो इतने बड़े कलाकार है. जब इन द 70s अर्ली फ्रॉम से मे बी फ्रॉम 74-75 उनका नाम इतना हो चुका था हिंदुस्तान में कि, और वो इतने पॉपुलर हो गए थे, मगर वो उन्होंने कभी हमें ऐसा महसूस होने नहीं दिया कि भाई मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ. वो हमारे साथ नीचे जाकर के हमारे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे, अरे चलो आओ क्रिकेट खेलते हैं, और जैसे मैंने बताया घर में हम लोग टेबल टेबल टेनिस खेल रहे हैं, नीचे जाके क्रिकेट खेल रहे हैं और वगैरह, हमें कहीं, और मैं और
मुझे उनको पता था कि मुझे शौक है सुनने का, तो वो मुझे अपने साथ लेके जाया करते थे अपने कॉन्सर्ट में। वो लेट 60s में भी वो मैं उनके साथ जाया करता था, किसी वो रईस खान साहब के साथ बजा रहे हैं या किसी और के साथ बजा रहे हैं, तो मैं जाके उनके साथ बैठा करता था। और यहाँ पर क्या होता था कि जब अर्ली 70s में जब मैं उनके साथ जाता था तो थक जाते थे, क्योंकि कभी तब तो प्रोग्राम ऑनलाइन हुआ करते थे, वो तो नॉर्मल था, और वो बैक सीट पर मैं सो रहा हूँ, जाकिर भाई आगे गाड़ी चला रहे और एक एक कॉन्सर्ट हॉल से निकल के दूसरे कॉन्सर्ट हॉल में जा रहे, और पीछे बैक सीट पर मैं सो रहा हूँ, और फिर वो जैसे पहुंचते थे मुझे उठा दिया, अरे अच्छा चल पहुंच गए अपन, मिल गए, तो जा करके उनके साथ बैठ करके वो उनका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। तो ये माहौल जो है ना, ये इससे मैं अगर बचना भी चाहता था तो नहीं बच पाया, पर ये माहौल की वजह से ये हुआ कि इतने बड़े बड़े कलाकारों को मैंने सुना अपने बचपन से ही, क्योंकि हमारे फादर के साथ जा रहा हूँ, हमारे जाकिर भाई के साथ जा रहा हूँ, तो ये जाकिर भाई ने हमें कभी महसूस होने नहीं दिया कि वो इतने बड़े कलाकार, और हमें पता ही नहीं था ना उस वक्त तक भी, जब वो थोड़ा सा जब मैं हो गया 14-15 साल का, तब पता चला कि भाई ये भी इतने बड़े फादर तो है ही है, मगर जाकिर भाई का भी इतना ही नाम। देखिए अब्बा जी वॉज ऑलवेज अ बिग सपोर्टर ऑफ रवि जी, और रवि जी वॉज अ बिग सपोर्टर ऑफ अब्बा जी, जैसे कहते हैं ना कि उन दोनों में ऐसा तालमेल था कि ऐसा लग रहा था कि पिछले जन्म का कुछ उनका रिश्ता होगा कि जो इस जन्म में आकर के आगे बढ़ा है, मतलब इस तरह का बिल्कुल था। तो हमारे फादर ने कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया, मगर उन दोनों के बीच में आई एम श्योर ये सब डिसाइड हो गया था कि भाई अभी इसके बाद हम नहीं करेंगे ये इस किस्म का कॉन्सर्ट कि जिसमें लोग शराब पी रहे हैं या नशा कर रहे हैं, या क्योंकि वो जमाना ही ऐसा था। 1969 वाज द एज ऑफ हिप्पीज एंड एज ऑफ, जैसे कहते हैं ना कि नई नई सोच की जो थी उसमें सारे भी, अच्छा उसमें बड़े बड़े म्यूजिशियंस भी थे, जैसे जिमी हैंड्रिक्स, बैठे हुए यू कैन सी बिल्कुल जिमी बिल्कुल हैंड्रिक्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिटार गिटार प्लेयर, यार हाँ उनको भी देख रहे हैं, वो भी बैठ के सुन रहे हैं। तो ये जो था ना, ये उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस था फर्स्ट एंड लास्ट, बट देन उसके बाद रवि जी ने कहा कि भाई ये सब नहीं हो सकता। सो रवि जी केप्ट द ट्रेडिशन, सो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो स्टेज पर जब बैठते थे तो एक एक कोने पर वो अगरबत्ती जलती थी उनकी तरफ से, वहां पर स्टेज पर ही, मतलब चाहे वो अमेरिका हो इंडिया हो जो भी है, एक तरफ से वो अगरबत्ती जला करके यहाँ पे वो बैठे हैं हमारे फादर, तो एक तरह का माहौल जो था ना वो बिल्कुल अलग ही हो जाता था। तो अगरबत्ती की खुशबू फैल रही है पूरे हॉल में, और वो उसकी और वो अगरबत्ती जो जल रही है उसको देख करके लोगों का नजरिया ही बदल जाता था कि भाई नो, दिस म्यूजिक इज मोस्ट सीरियस, दिस म्यूजिक वी नीड टू सिट एंड लिसन केयरफुली। तो वो लोग बैठ करके उनको पता चलता था कि भाई हाँ वी हैव टू बी हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड एज फार एज लिसनिंग। सो वो अपियरेंस को उन्होंने ऐसा बना दिया कि लोग फिर बाद में वो सोच ही उनकी बदल गई कि भाई हमें इस तरह से, और वो अगरबत्ती जो उनका एक खास होता था, अगरबत्ती जल रही है और वो उसकी खुशबू फैल रही है, वो छोटा थोड़ा थोड़ा सा धुआं निकल के आ रहा है और वो फैल रहा है, वो दैट वॉज दैट चेंज एवरीथिंग, वो उसके पहले वो नहीं करते थे, ही वॉज नॉट डूइंग दैट बिफोर दैट, उसके बाद उन्होंने वो जो शुरू किया, सो दैट चेंज द होल एटीट्यूड ऑफ एवरीबॉडी कि भाई ये म्यूजिक जो है इट्स मोर लाइक इबादत। देखिए अगर ये लोग आकर के पहले बोल देते तो शायद मैं पढ़ाई इतनी नहीं करता, मैंने अपना बीए किया, फिर 2 साल मैंने लॉ भी किया, ये सोच के कि यार अभी क्या करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा, तबला बजाओ। हमारे फादर जो थे वो थोड़ा सा लो की आदमी थे, वो इतनी ज्यादा आपकी किसी की तारीफ स्टेज पर करना ना, जैसे मैं 1980 से मैंने बजाना शुरू किया, जब तक मैं फादर के पास आकर के मैं बजाता उनके साथ फादर के साथ, तब तक 6 साल गुजर चुके थे, और मैं वेट कर रहा था कि मैं कब मुझे मेरे फादर के साथ बजाने का मौका मिले। आई ओनली गॉट अ चांस टू प्ले विद माई फादर लेटर ऑन टिल 1986, उसके पहले मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, हरी जी के साथ बजा लिया था, शिव जी के साथ बजा लिया था, सितारा आंटी जी के साथ बजा लिया था, अमजद अली खान साहब के साथ बजा लिया था, इन सारे आर्टिस्टों के साथ बजा लिया, जाकिर भाई के साथ भी मेरा डुएट हो चुका था, पर हमारे फादर के साथ स्टेज पर बैठ के बजाने का मौका मुझे मिला ही नहीं था। तो 1986 में जब मुझे मिला, और हम लोग एक्चुअली ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं हुआ था, ये हुआ था लंदन में, जाकिर भाई थे, हमारे फादर थे और मैं था, और साथ में खान साहब होते हैं, सुल्तान खान साहब हमारे साथ सारंगी थे। वो कॉन्सर्ट जो था वो मेरे लिए इतना मेमोरेबल है क्योंकि वो मैं पहली बार हमारे फादर के साथ स्टेज पर बैठा हूँ, और उस वक्त मुझे लगा कि भाई मेरा प्रमोशन हो गया,
और मेरा एक्सेप्टेंस हो गया भाई, कि मुझे स्टेज पर बोला गया कि आओ बैठो हमारे साथ बजाओ, तो वो एक एक्सेप्टेंस जो मेरे फादर के साथ जो मिला, और फिर उसके बाद कॉन्सर्ट के बाद आके कह रहे हैं कि भाई हाँ अच्छा बजा रहे हो आजकल तुम, अच्छा बजा रहे हो, वाह वाह क्या बात है, वेरी वेरी स्माइलिंगली, उनका स्माइल जो है ना वो ऐसा होता है कि वेरी इन्फेक्शियस हमारे फादर का स्माइल था. तो दैट वाज माय क्या कहते हैं ना कि दैट वाज दैट्स कॉन्सर्ट में जैसे कहते हैं ना कि मेरा दिली दिली कहते हैं ना कि हार्ट हार्ट फेल्ट कॉन्सर्ट जो था वो वही था कि जिसमें मुझे अब्बा जी के साथ बजाने का मौका मिला, और उनके चेहरे को देख करके मैं खुश हो गया कि भाई ये खुश है मेरे बजाने से. और देन एवरीथिंग चेंज, उसके बाद एवरीथिंग चेंज. मैंने डिसाइड कर लिया अब ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, अब सीधा अपना तबले में लग जाओ और देखो क्या होता है आगे जाकर के.